मतलब अभी कैसा है कलयुग है, जब तक चमत्कार नहीं होगा तब तक नमस्कार नहीं होगा। देख पहले इतना था तो वो हंसने लगा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं फेक है, तो उसमें फूल्स काउंट कर रहा था तो उसको डिफरेंस है कि रे हाँ सच में उसके फूल पहले कम थे अभी वो ज्यादा दिख रहे हैं। ये तो ना हो सकता है, लेकिन धागा तो नहीं बढ़ सकता है, फूल सूख सकते तो ज्यादा से ज्यादा इतने ही। इधर तक था, इधर तक इस पे रखा हुआ था कांच पे ऐसे, या कुछ वो बोलते भी नहीं कि ये करो वो करो उससे बाबा लोग के ऐसा। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ एकता पोदार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ होम में। इस वक्त मौजूद हूँ मीरा रोड के सिल्वर पार्क के चंद्रेश अकॉर्ड बिल्डिंग नंबर 24 में। आपको बता दें यहाँ पर एक महिला रहती है जिनका दावा है कि इन्होंने एक माला लगाई थी एक दिन पहले और उसका साइज़ घंटे के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से आपने सुना होगा कि गणपति में भी गणपति बप्पा दूध पीते हैं और उसमें कितनी सच्चाई है ये तो आप सब जानते हैं। आइए जानते हैं कि इस चमत्कार में सच में सच्चाई है या नहीं उनके ज़बानी। मैडम आपका नाम क्या है? वैशाली के दरोड़ेकर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मीरा रोड के। श्री स्वामी समर्थक के आप समर्थक कितने सालों से हैं? मैं लगभग 15 साल से इनकी सेवा कर रही हूँ। अखिल भारतीय श्री स्वामी समर्थक सेवा केंद्र दिंडोरी प्रणीत, ये हम लोग का ट्रस्ट है। ये सब त्र्यंबकेश्वर और नासिक दिंडोरी में चलता है। 6 साल से हम लोग इनकी सेवा करते हैं। मतलब अभी हम लोग क्या करते, ये फोटो जो है ये तो मेरे पहले से, मतलब इनकी सेवा, मुझे शादी भी हुई तो मुझे लगता था कि महाराज जी चाहिए, जी भी जिधर मैं जाऊँगी उधर, तो उधर शादी होके आई तो इधर केंद्र नहीं था, तो 6 साल पहले लगभग 6-7 साल पहले हम लोगों ने इनके केंद्र शुरू किया। तो ये शुरू करने के लिए हम लोग को उधर से परमिशन लेनी पड़ती है। हमारे जो गुरु माउली है परम पूज्य अन्ना साहेब मोरे, इनका मतलब हम लोग का दावा है कि हर मतलब अभी कैसा है कलयुग है, जब तक चमत्कार नहीं होगा तब तक नमस्कार नहीं होगा। बराबर, इससे पहले भी हम लोग को जो साई बाबा मंदिर साई बाबा नगर में केंद्र था, हम लोग का समाज मंदिर दिया था पालिके ने, अपना भाईंदर मीरा भाईंदर महानगर पालिके ने, लेकिन कुछ इशू हो गया पालिके का तो हम लोग को खाली करना पड़ा। अच्छा, आपने ये जो माला लगाई थी तो इसकी लेंथ कितनी थी पहले? इसकी लेंथ ये जो हार है ना इसके ऊपर इतनी थी। एक्चुअली मैंने फोटो नहीं खींचा क्योंकि हम लोग रोज का सेवा रहते तो हम लोग फोटो नहीं खींचते, लेकिन कल इतनी थी, हम लोग का कल मीटिंग था, इधर तक आ गई वो माला। फिर भी मैंने शाम को देखा, मुझे लगा कि एक्चुअली लूज़ हो जाते हैं फूल, तो हो जाता है, तो मैंने सवेरे देखा, मैंने सवेरे उठ के ऐसे उसको नीचे किया तो इधर तक माला आ गई। वो फ़ोटो मैंने खींचा, देखो मैंने मेरी फ्रेंड ने हम लोग का जो ग्रुप है उस पर भी भेजा, फिर बाद में इतना बढ़ गया, फिर अभी 2 घंटे बाद इतनी बढ़ गई है। तो मतलब ये मुझे भी पॉजिटिव क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं 2-3 दिन से उनको यही पूछ रही थी कि हम लोग जो केंद्र है हम लोग के, मतलब रविवार मंगलवार गुरुवार शनिवार और सोमवार को मंडे को हम लोग आरती रखते हैं जगह जगह, ये सोसाइटी के मंदिर में करते उनकी परमिशन लेके, लेकिन अभी हम लोग को एक स्पेसिफिक जगह नहीं कि जहाँ पे 400-500 महिला बैठ सके एक ही टाइम पे आरती के लिए। तो मैं इनको वही मतलब मेरे 2-3 दिन से मेरे दिमाग में जाता था कि बाबा हम लोग को क्यों इधर जगह जगह आप लोग घुमा रहे, ये पूरा विश्व जो है आपका ही है, तो कुछ तो मतलब आप सिम्टम्स दिखाओ, क्योंकि मैं यही सोच रही थी कि जब तक चमत्कार नहीं होता तब तक नमस्कार नहीं होता है। मतलब लोगों को हम लोग बताते हैं कि वो नहीं ऐसा करो, और हम लोग खुद मतलब सेवा करके, तो ये तो आप भी देख सकते हैं कि ये तो ना हो सकता है, लेकिन धागा तो नहीं बढ़ सकता है, फूल सूख सकते तो ज़्यादा से ज़्यादा इतने ही, तो धागा तो नहीं बढ़ सकते। मुझे खुद ऐसा लग रहा है कि इनको कुछ तो अच्छे सिम्टम्स दिखा रहे, मतलब हमारे सेवेकरी जो है आज मतलब 1-1.5 हज़ार सेवेकरी है, हम लोग 500 लोग ग्रुप में हैं, फैमिली पकड़ के 1-1.5-2 हज़ार तो सेवे करे, जो 500 लोग ग्रुप में उधर ग्रुप में हम लोगों ने डाल दिया है, तो अभी सब मतलब लोग अपने हिसाब से दर्शन के लिए आ जाएंगे। आइए बात करते हैं इनके संस्था की सेविका से, इनसे कि कल का जो इन्होंने देखा था उसकी लेंथ कितनी थी और आज यहाँ पर आई हैं तो वो माला की लेंथ कितनी थी। कल आप यहाँ पर आए थे तो आपने माला कितने हाइट तक का देखा था? इधर तक था, इधर तक इस पे रखा हुआ था कांच पे ऐसे। अच्छा, तो आज आप आई है तो आपको लग रहा है कुछ? हाँ लग रहा है, क्योंकि हम ग्रुप पे डाला ना उन्होंने, तभी मैंने उनको फ़ोन भी किया, मैं बोली ताई क्या पॉजिटिविटी है, तो बोलते पता नहीं अभी आपने महाराज क्या चमत्कार दिखाने वाले हैं तो आपने तो पता नहीं है, पर अभी मतलब जो दिखा है वो तो सही है ऐसे। आपने ये चमत्कार जो सुना तो आपको बिलीव हुआ इस बात पे? एक्चुअली हुआ मुझे बिलीव, बिकॉज मुझे खुद का भी बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो दीदी ने मुझे पहले फ़ोटो भेजा कह रही देखना कि पहले इतना था अभी इतना हो गया, तो कल रात को 1 बजे मैं सोच में पड़ गई कि अरे हाँ, तो मेरे हस्बैंड को भी बिलीव नहीं है, मैंने उसको दिखाया कि देख पहले इतना था, तो वो हंसने लगा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं फेक है, तो उसमें फूल्स काउंट कर रहा था तो उसको डिफरेंस है कि अरे हाँ सच में उसके फूल पहले कम थे अभी वो ज़्यादा दिख रहे हैं, तो फिर वो भी सच में ऐसे उसने पेरे किया फोटो में से कि अरे हाँ सच में होगा, क्योंकि उसको भी एक्सपीरियंस आया हुआ है, तो
तो फिर जाके फिर मैं रात को ऐसे ही सोच रही थी मन में कि अरे यार मुझे सुबह कोई पत्रकार मिल जाए कि मुझे जो पता चले अपने मेयर में सबको पता चले। तो मैं कल सुबह आज सुबह मैं मॉर्निंग में एनरिच में सर्विस लेने गई थी तो मेरा गाड़ी पकड़ लिया पुलिस वालों ने, POC नहीं था, मुझे भी नहीं आइडिया था। तो वहाँ पे मैं खड़ी थी तो वहाँ पे एक बंदा खड़ा था तो ऐसे ही बैठा, तो मैंने बोला आपका भी कंसर्न है कि आप भी रुके हो, तो उसने बोला कि नहीं मैं पत्रकार हूँ। तो मैं खुश हो गई कि मैंने जो रात को बोला तो मैंने उसको मेरा कंसर्न बताया कि देख ऐसा ऐसा हुआ है हमारे दीदी के घर पे। तो उन्होंने उनके बॉस को फ़ोन किया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है हम लोग जाएंगे क्या, तो उन्होंने भी परमिशन दे दिया। तो वहाँ इन द एंड आप लोग यहाँ पे आए और जो मैंने रात को विश मांगा था वो भी मेरा पूरा हो गया कि सबको पता चले कि उनका फोटो कैसा था और अभी कैसा हो, मतलब हार का साइज कैसे हो गया बस। और बाकी क्या चाहिए था, मैंने जो मांगा मुझे मिल गया, अभी सबको पता चले और सबको पता चले कि हाँ सच में चमत्कार होता है। लेंथ अभी देखो, पहले जब मैं कल आई थी ना मॉर्निंग में, मेरी सास ससुर गाँव में गए तो मेरे बाबू को इधर रखने आई थी, तो वो लेंथ यहाँ तक ही था तो नॉर्मल रोज ही दीदी हार लगाते तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर शाम को मीटिंग था, मैं बाबू को भी लेने आई तो मीटिंग 9 बजे का था तो वो थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर मैंने फिर भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि नॉर्मल नेचुरल है ना। फिर रात को जब दीदी ने मुझे फोटो भेजा तब मैंने देखा यू इतना था, फिर मॉर्निंग में देखा तो इतना था, फिर अभी इतना हो गया, फिर मैं भी शौक हो गई कि अरे हाँ सच में हो रहा है ये सब। तो उनसे फर्स्ट टाइम मेरी बेटी ने बात की और उनको कल ही उन्होंने बोला कि स्वामी आए हैं, स्वामी आजोबा बोलते हम लोग कि स्वामी आजोबा आए हैं घर पे तो मुझे आना है करके। तो उन्होंने उतना भी बोला कि तू कुछ खाना खा ले, देखो कल स्वामी आएंगे करके ऐसे। और आज सुबह ताई ने मुझे सुबह सुबह फ़ोन करके बोला कि चू ने कुछ खाया क्या, मैंने बोला अभी तक तो कुछ खाया नहीं है, बस वो वही बोल रही है। तो उन्होंने बोला देखो आज ऐसे ऐसे घर पे हुआ है करके ऐसे। मतलब स्वामी के बारे में आप पूछोगे ना, हम लोगों को बहुत मतलब बहुत एक्सपीरियंस आया है कि मतलब जैसे जैसे हम लोग मन में सोचते हैं ना कि आज ऐसे होगा या कल ऐसे होगा तो स्वामी हम लोग को अनुमति देते ही देते हैं। मैं जब भी पहला स्वामी समर्थ मठ में आया ताई ने हम लोग को उसमें सब सेवा दी, उसमें सेवा होती है, इसमें कुछ चमत्कार ऐसा कुछ होता नहीं है या कुछ, वो बोलते भी नहीं कि ये करो वो करो दूसरे बाबा लोग के ऐसा। उनका इतना है कि स्वामी की जो किताब होती है वो पढ़ो, उसमें सेवा करो आप, उस सेवा में से आपको फल मिलने वाला है। अब मुझे 1 से 1.5 साल में बहुत अच्छा फल मिला, जो मेरा मतलब बोलते हैं गया हुआ चीज़ डबल से आया हुआ है स्वामी जी के आशीर्वाद से। और जो कल हम आप मीटिंग पे आए थे, कल मैं आते हम लोग सब पैर पढ़ते स्वामी जी के, जैसे आपने अभी देखा जैसे मैं आते पे पैर पढ़ा, उसका कल आया तो कल भी देखा तो हार इतना नहीं था, जैसे अपना फोटो इतना हार था। तो हम लोग जाने के बाद सुबह जब मेरी बेटी का चल रहा था तो उन्होंने बात किया तो ताई ने बोला कि ये ऐसा चमत्कार हुआ घर में, और स्वामी जी हर टाइम चमत्कार दिखाते ही है, आप भी इस पर अनुभव ले सकते हो, आप भी कभी स्वामी जी की सेवा करके देखिए और देखिए आपका काम होता है या नहीं होता, आप खुद ही फ़ोन करके उनको बोलोगे कि आज मेरी दिक्कत ही आज निकल गई करके, इतना बड़ा स्वामी का चमत्कार है। और बोलता हूँ ना कि ऐसा नहीं कि आप पैसा खर्चा करो या कुछ रखो यहाँ पे ये लेके आओ, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे अपने 5 केंद्र चलते हैं अभी मेरा मंदिर में, मंडे से लेके फ्राइडे तक बहुत अच्छी सेवा होती है, सब लोग जुड़ते हैं। और कभी किसी को मतलब बोलते ना कि आपको इतना खर्चा करना पड़ेगा, ऐसा कोई चीज़ नहीं यहाँ पे, इसके लिए स्वामी जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मैं तो बोलता हूँ सब लोग सेवा करें, ऐसा लाभ उठाए। इस तरीके से आपने देखा कि इनका क्या था कहना, ये मानते हैं कि ये चमत्कार हुआ है और ये जो लेंथ जो माले की है वो डबल हो चुकी है यहाँ से यहाँ तक की। अब देखना ये है कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्या सच में ये चमत्कार है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए मेरे यानी एकता पोदार के साथ सिटी न्यूज़ मुंबई।